से आप दोनों ठीक है, लेकिन शनाज आंटी हमारे साथ खेल नहीं रही, हम लोग बहुत बोर हो रहे हैं। सब जब से तैमूर साहब फलक बीबी को लेके गए ना, तब से ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। पहले फलक बीबी की तरफ से मुझे इतनी परेशानी है। वो लोग अभी तक आए नहीं, सिर्फ चेकअप ही तो करा रहा था, परेशानी किस बात की? नहीं साहब, अभी तक नहीं आए वो लोग। फलक बीबी ना बेहोश हो गई थी और सब उनको लेके हॉस्पिटल गए। क्या, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सारे जहान की फजूल बातें करने के बाद मुझे अब बता रही हो? सॉरी साहब, मुझे लगा आपकी तैमूर साहब से बात हो गई होगी या तो किंजाबाजी ने आपको बता दिया होगा। मुझे इस घर में कोई अहमियत दे तो कुछ बताए ना। आपने मेरे बाबा से कंप्लेन की है ना? चले अब आपको और भी खेलना पड़ेगा। आपको मेरे साथ और खेलना पड़ेगा, चलो रमशा। साहब क्या हुआ है फलक को? अल्लाह का शुक्र है, आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है, मगर उनका मिसकैरेज हो गया है। क्या? कैसे हो सकता है? हमने तो बहुत ख्याल रखा, वो बेड रेस्ट पे थी। मैं क्या कह सकती हूँ, किस डॉक्टर से चेक करा रही थी? वो मेडिसिन तो ये खाती थी, चेक कीजिए। मेडिसिन तो ठीक लिख कर दी उन्होंने, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो। कुछ मेडिसिन इसमें भी है। ये दवाई खाती थी वो जी? आपको यकीन है कि वो ये दवाई खाती थी? हाँ भाई सोनिया। अरे वाह माँ वाह, तुम्हें ना ड्रामो में आसानी से चांस मिल सकता है। दास्ताने गम सुनाना तो कोई तुमसे सीखे। अरे चल हट कमीनी, माँ का मजाक उड़ा रही है, जहन्नुमी कहीं की। अरे नहीं अम्मा, क्यों सीरियस ले रही हो, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। अच्छा चल, नहीं होती नाराज, ये तो बता कि कब आ रही है घर? मैं अभी तो यही हॉस्पिटल में हूँ, आके सब बताऊंगी ना। अरे सुन तो सही, वो सुहेल ना शिकायत कर रहा था, वो बोल रहा था कि तुम आसिम के साथ चली गई, तो मैंने बात कवर की, मैंने कहा हाँ मैंने ही बुलाया था। अच्छा ये बोला था? दुख हो रहा है मुझे, कसम से दिल से कह रही हूं, तुम
क्या समझ रही थी, बच्चा पैदा कर लोगी तो किन साहब भी तुम्हें उस घर में कदम जमाने देगी। बात सुनो मेरी, तुम किंजा आपी के साथ नहीं बल्कि किसी नागिन के साथ रह रही हो, और किसी नागिन के वार से बचने के लिए कितना होशियार रहना पड़ता है कि तुम अच्छे से जानती हो ना, फिर कैसे तुम गाफिल हो गई। सोनिया मेरा बच्चा, मेरी गोद में आने से पहले, सांस लेने से पहले ही चल गया। अगर तुम अभी भी आंखें नहीं खोलोगी ना, तो तुम्हारे साथ ये हर बार होता रहेगा। किंजा अभी तुम्हें कभी मां नहीं बनने देगी। तुम मुझे बद्दुआएं क्यों दे रही हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाँ हाँ, तुम तो बहुत मजलूम हो, लोगों के सामने अच्छा बनने का तुम्हें बड़ा शौक है। तुम क्या समझती हो, पहले तुम्हें तैमूर मिला, फिर उसका घर मिला, अब तुम क्या चाहती थी कि तुम्हें बच्चा भी मिल जाए? मेरी प्यारी बोली बहन, ऐसा नहीं होता हर बार। अगर तुम मुझे तसल्ली नहीं दे सकती तो यहाँ से चली जाओ। ये हमदर्दियाँ और तसल्लियाँ तुम्हें बहुत अच्छे से देना आती हैं, मुझे नहीं। बड़ी तुम मेरी सगी बहन बनकर मेरा रिश्ता करवाने आई थी ताकि उस किंजापी का घर बचा सको। क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारा तो बच्चा भी नहीं खुद रहा। पहले बीबी अपना घर बचा लो, फिर दूसरों के घर बनाने जाना। खुदा के लिए सोनिया, यहां से चली जाओ। बात सुनो मेरी, कान खोल के, अगर आज के बाद तुमने मेरे किसी भी मामले में आने की कोशिश की या मेरी माँ बनने की कोशिश की, याद रखना ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी उम्र ना तुम याद रखोगी। समझ आई?